जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं, जिसमें आपसे एग्जाम के अंदर बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा बदले गए नाम, जो आपके अगस्त के 2022 के अपडेट हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक लगाना है। और अगर आप लोग यहाँ पर कैरियर पॉइंट पर पहली बार आए तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी लास्ट में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे आपका हिंदी, साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, कोई भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक पर हम आपको उस वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, सजेस्ट कीजिएगा आपको कैसी वीडियो चाहिए। तो चलिएगा दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया। दोस्तों क्या नाम कराया दोस्तों, तो याद रखना कैपिटल ए, एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या किया है, कैपिटल ए रखा है। दोस्तों ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन के लिए। याद रखना मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नया नाम है कैपिटल ए रखा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है दोस्तों, नुसंतारा है। दोस्तों याद रखना ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। पहले क्या थी दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी, तो याद रखिए जकार्ता, पहले राजधानी थी जकार्ता, अब क्या हो गई नुसंतारा, इंडोनेशिया की नई राजधानी हो गई है, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है, यस म्यूचुअल फंड का नया नाम क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन बी आपका व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। याद रखिए दोस्तों यस म्यूचुअल फंड का नया नाम क्या है, व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या नाम रखा है, ट्रेन मैनेजर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। याद रखना पहले क्या नाम था ट्रेन गार्ड, और अब नया नाम रखा गया है ट्रेन मैनेजर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है गुजरात के केवाड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो याद रखना एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। याद रखिए दोस्तों गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, उत्तर प्रदेश की फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या कर दिया है, दोस्तों क्या नाम कराया है, याद रखना अयोध्या कैंट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। याद रखिए उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नया नाम है अयोध्या कैंट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है, मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम है तात्या मामा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम है तात्या मामा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक चंद्र क्रिएटर का नाम किसके नाम पर रखा है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक चंद्र क्रिएटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो याद रखना दोस्तों आप लोग मैथ्यू हेंसन के नाम पर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चंद्र क्रिएटर का नाम क्या रखा है, मैथ्यू हेंसन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। याद रखिए दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम रखा जाएगा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। दोस्तों उन्हीं के जन्मदिवस को 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और याद रखना मेजर ध्यानचंद के नाम पर ध्यानचंद स्टेडियम बनाया जा रहा है लखनऊ के अंदर, ठीक है ना। और याद रखेंगे आप लोग मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के प्लेयर थे, और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है, अफगानिस्तान दोस्तों देश का नया नाम रखा गया है, याद रखना इस्लामिक
एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान IEA, ठीक है ना, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान देश का नया नाम रखा गया है, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का बदलकर नाम क्या रखा गया है। दोस्तों याद रखना, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो असम कैबिनेट है उसने उसका नाम रखा है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन NBA का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। NBA न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन का नया नाम क्या रखा गया है, तो याद रखना न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन नया नाम रखा गया है, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया। दोस्तों देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य होता था, लेकिन अब यहाँ पर इसको क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो याद रखना जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब दोनों क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नया नाम क्या रखा है। दोस्तों याद रखना जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय नाम रखा गया है, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या है, तो याद रखना श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर चेनानी नासरी नामक सुरंग है, उसका नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचे जिन तक अभी क्लास नहीं पहुंची, सभी के साथ में शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बलबीर सिंह सीनियर याद रखिए। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल RPF का नाम बदलकर क्या रखा गया। RPF रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या है, तो याद रखना भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, RPF रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है ना, इसका नया नाम क्या रखा गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है, तो याद रखना गुजरात, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, व्हीलर द्वीप ओडिशा का नाम बदलकर क्या रखा गया। व्हीलर द्वीप ओडिशा का नया नाम क्या रखा गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। दोस्तों याद रखना व्हीलर द्वीप जो ओडिशा के अंदर है उसका नया नाम रखा है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार के हैवलोक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया। अंडमान निकोबार के हैवलोक द्वीप का नया नाम है, याद रखना स्वराज द्वीप, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ये एक आइलैंड है दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन है देखिएगा फटाफट से, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया। अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर रखा गया क्या, तो याद रखेंगे सवी द्वीप, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखना अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नया नाम रखा है शहीद द्वीप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अंडमान निकोबार के रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, अंडमान निकोबार के रोस द्वीप का नया नाम रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। याद रखेंगे रोस द्वीप का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा फटाफट से, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है दोस्तों, तो याद रखना आप लोग काकोरी ट्रेन एक्शन, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या नाम रखा है, काकोरी ट्रेन एक्शन नया नाम रखा है, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिएगा, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम क्या रखा गया। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या रखा है दोस्तों, तो याद रखना नरेंद्र मोदी,
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। किसके नाम पर रखा गया है? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया चैनल जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? संसद टीवी नया नाम रखा गया है, याद रखना, ठीक है ना। दोनों को संयुक्त कर दिया गया है और क्या नाम रखा है? संसद टीवी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम क्या कर दिया गया है? अलीगढ़ का नया नाम क्या किया है? हरिगढ़, ठीक है ना। अलीगढ़ का नाम चेंज कर दिया गया दोस्तों, याद रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसका नया नाम है हरिगढ़। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिएगा, पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? किसके नाम पर रखा जाएगा? नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा है? अटल सुरंग नया नाम रखा गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर? देखिएगा, सुषमा स्वराज भवन के नाम पर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सुषमा स्वराज भवन नया नाम रखा गया है, किसके नाम पर? प्रवासी भारतीय केंद्र के नाम पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो याद रखेंगे, गो, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। गो फर्स्ट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नया नाम क्या रखा है? भारी उद्योग मंत्रालय किया गया है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम क्या नाम रखा गया है? दोस्तों, हावड़ा कालका मेल का नया नाम क्या रखा है? तो याद रखना, एक्सप्रेस नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है, ठीक है ना, एक्सप्रेस नेताजी रखा गया है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया? दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या किया गया है? तो याद रखिए, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, शिक्षा मंत्रालय आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा जाएगा? उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा जाएगा? लक्ष्मी बाई के नाम से। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन के लिए लक्ष्मी बाई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या रखा जाएगा? याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा ने नाम बदलकर क्या हो गया है? फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा, उसका नया नाम क्या है? तो याद रखेंगे, डाइम। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो याद रखना, अरुण जेटली स्टेडियम। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम बदल कर क्या रखा गया? अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम क्या है दोस्तों? महाराज विक्रम एयरपोर्ट। याद रखना, अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल कर रखा गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंट आपके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नया नाम क्या है दोस्तों? याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मंडुवाडी
रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश के मंडुवाड़ी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो याद रखना बनारस, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। किसके नाम पर? बनारस के नाम पर नाम रखा गया है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है, देखिएगा स्वच्छ भारती अभियान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा दोस्तों, याद रखना। स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम है सुंदर भारत, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम क्या रख दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना सुंदर भारत, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो नर्मदापुरम, याद रखना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नया नाम रखा गया नर्मदापुरम, नर्मदा नदी के नाम पर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, ठीक है ना। याद रखना दिल्ली के पर्यावरण भवन का नया नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, ठीक है ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? क्या किया गया है? तो याद रखना आप लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करें क्या रखा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए तैयारी करें ना, उन बच्चों के लिए खास करके इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है दोस्तों? किसके नाम पर किया है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी के नाम पर, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने होवेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? कर्नाटक सरकार ने होवेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर किया है? तो याद रखना आप लोग, महादेवप्पा मेल्लारा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। याद रखना सो, कर्नाटक सरकार ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम है बदलकर महादेवप्पा मेल्लारा के नाम पर कर दिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ट्रेन 18 का नया नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? वंदे भारत एक्सप्रेस। याद रखना, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया है? वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस शहर की सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर अटल जी चौक कर दिया गया है? तो किस शहर का दोस्तों? तो याद रखना आप लोग, जम्मू, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जम्मू शहर का सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर अटल चौक कर दिया गया है, आप लोग याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जम्मू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो याद रखना, मनोहर पारिकर के नाम पर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखना, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर नया नाम रखा है मनोहर पारिकर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदल करे क्या रखा जाएगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदल करे क्या रखा गया है? तो याद रखना, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। याद रखना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है महायोगी गोरखपुर गोरखनाथ एयरपोर्ट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? NIFM, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। याद रखना, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, जो आपको अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं कैरियर पॉइंट पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको प्रत्येक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बताइए। चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर,
कोई भी आपका टॉपिक हो आप हमें सजेस्ट कीजिए, हम आपको उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।